हिंदुस्तान के पहाड़ और बीच में लहर डाल दी। इसे कहते हैं सरहद। ये अब मान ले कि गोरा साहब मियां है और अफगानिस्तान का आमिर बीवी है और इस इलाके के पठान काजी है। तो अब बीवी ने मियां से पैसे ले लिए और इस लैन को सरहद कबूल कर दिया। वो तो जब मियां बीवी राजी है तो काजी को क्या तकलीफ है? और काजी को तो हमेशा से हुकूमत से तकलीफ रहती है, चाहे वो किसी की भी हो। ऊपर से उसको बीवी भी तो इशारे कर रही है। वो मतलब आमिर भी पठानों को अंग्रेजों के खिलाफ भड़का रहा है? क्यों? क्योंकि बीवी को उधर अपने रूसी यार से भी तो आंख में टक्का करना है और इधर मियां से पैसे लेकर तलाक भी लेना है, और तलाक तो काजी ही दिलवाएगा ना। तो ईश्वर से यहाँ आमिर हो गया बीवी, गोरा हो गया मियां और रूसी यार हो गया, तो हम क्या है? बाराती गुलाब से ऐसी बाराती है गया, सिर्फ भांगड़ा पाना आया है इतने। हवलदार शाह सिंह जी जनाब। आज की पेट्रोलिंग पर Time to head back to Gulistan. Get the men ready. Jee janab. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نو ارشاد سنگ ہم ان کے معاملے میں نہیں پڑیں گے صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين سب جی وہ اس کا گلا کاٹ دیں گے سو واٹ یہ لوگ جو ایسے کاٹ رہے تھے ناٹ اور پرابلم کم آن لیٹس موو That's an order, Havildar. Havildar! पाएगा भंगड़ा लक्ष्मी। No!
ये सिखों की इज्जत इनके पगड़े में होते हैं। पहले इसके पगड़े उतारो, सर नंगा करके फिर गला काटो। दर्जा मारना है मार ले, लेकिन पग को हाथ मत लगाना। Punished severely, sir. We need to set an example. You are right, Lawrence. This is a serious matter. We must inform the Lieutenant Colonel immediately. Atar Singh. Ji, sir. Sargari se contact karo. Lockhart message bhejna hai. Lieutenant Colonel Horton ke liye. Ji, sir. पानी की पहले ही तंगी है, मेजर साहब को पता चल गया ना। इतने महीनों से तू यहाँ रोज पानी मिट्टी कर रहा है, तो सीधी गोली मार देंगे। मेरे हिस्से का पानी है, मैं पीऊ या फेंकू मेरी मर्जी। चल बनी कोई अभी नहीं। यहाँ कुछ नहीं होगना है सर से। यहाँ ये मिट्टी ना थोड़ी ढीट है पठानों की तरह, बेगाने बंदे से थोड़ा परहेज ही करती है। मैं किसान हूँ गुलाब सिंह, मिट्टी से रिश्ता तो बना ही लूंगा। और क्या सजा तय की उन लोगों ने मेरी? लेकिन अभी तो वो मेजर साहब के कान भरे होंगे, फिर वो सनेहा भेजेंगे हाटन साहब को। वो खबर ले लिए तेरी आंखें। और हार्टन साहब और कुछ नहीं कहेंगे मुझे, उनमें और लारेंस साहब में बड़ा फर्क है। की फर्क है? हार्टन साहब बंदे का रंग देख के अपना ढंग नहीं बदलते। उनके लिए काले गोरे नीले पीले सारे फौजी एक जैसे हैं। और यह सब ना झूठ है। अगर ऐसी बात है तुझमे मुझमे फर्क क्यों करते? और तुझमे और मुझमे फीती का फर्क है, फीती का। ओ यार ये फीती तो मुझे भी लेनी है। पहले अंग्रेजी तो सीख ले गुलाबो। चल तुमने कौन सी पढ़ी अंग्रेजी है? पढ़ी ना है, सुन सुन के सीखा हूँ मैं। यार लफ्ज़ आते हैं वो भी रब जाने सही बोलता है गलत, तो सानू की पता। बहुत सारे आते हैं, रोज नया लफ्ज़ सीखता हूँ। तुझे याद है उस दिन हम उसे फौज भी आई थी जनरल बिगेस के साथ? आहो उसमें गोरा हवलदार भी था। हाँ 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 यही यही पीती थी। पता है वो गोरे क्या बुलाते थे उसको? क्या? साजन टिम, साजन टिम। साजन? ना अभी ना, मुझे नहीं बनना हवलदार। क्यों क्या हुआ? ओ यार पौने 200 बंदा इधर,
सब मुझे साजन गुलाब करके बुलाएंगे तो मर्दाना सा नहीं लगता ना। नर्स तरीसा भी तो साजन कह के बुलाएगी तो बड़ा मजा आएगा। बस नहीं बस की दशा, हर बार जब कोई लड़ाई शुरू होती है ना, मेरा जी करता है कि इस बार कोई जख्म लग जाए तो उस मेम नर्स के हाथों ना पट्टी बनाने का मजा ले लूं। पर कुछ होता ही नहीं है, तो पठानों के निशाने का बिना कुछ लखन मैसेज भेजो हेल्प के लिए जल्दी। जी सर।
तुमने लेफ्टिनेंट लॉरेंस के ऑर्डर क्यों नहीं माने? आप जी, अगर मैं ऑर्डर मानता तो उस लड़की की जान चली जाती। हाँ, उसकी जान चली जाती, पर हम पर ये हमला न होता, तुम्हारा वजह से उस मुलाक को एक और बहाना मिल गया। बताना को उकसाना का गुस्ताखी माफ सर जी, पर इस जंग की वजह मैं नहीं हूं, गोरी सरकार है। Don't you dare teach me about the politics of my government. तुम फौजी हो, पॉलिटिक्स तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम हुक्म मानना है। मैं ट्रांसफर कर रहा हूं, तुम कल सरकारी जाके वहां का चार्ट ले लो। सर जी, मैं वहां जाके क्या करूं, वहां तो कुछ भी नहीं होता। Yes, that's why. So you won't get into trouble over there. And remember, Sarigari Kabina, Gulistan or Lockhart, communicate nahi kar sakte. Pahunchi hoon sahab ji, dakiya nahi. Be careful, Isha Singh. Nahi to dakiya bhi nahi rahoge. Abuldar! Ji sahab ji. Jab koi senior officer dikhai de, to tumhe kya karna chahiye? Maine tumko salute karne ko nahi kaha. मैंने सिर्फ तुमसे पूछा है तुमको क्या करना चाहिए, मुझे देखकर। जी साहब जी, सल्यूट करना चाहिए। तो फिर तुमने किया क्यों नहीं? See, looks like I need to teach you some discipline, Havildar. अभी तीन सल्यूट मारो। और हर सलूट के साथ माफी मांगो अपने सीनियर ऑफिसर से। राइट नाउ हवलदार। माफी साहब जी। माफी साहब जी, तुमको क्या लगा हवलदार मुझे डिसोबे करके बच जाओगे? तुमको लगता है कि तुम मुझसे बेटर हो, isn't it? Well, let me tell you something. अगर तुम लोग हमसे बेटर होते तो तुम हमारे गुलाम नहीं होते। You know, it's funny. कहने को तुम सीख व बिठान बहुत बहादुर है, लेकिन मौका आने पर सबसे पहले तुम लोग ही भागते हो। जैसे अभी तुम सारा गाड़ी भाग रहे हो, इंडिया के लोग ऐसे ही है। मुझे लगता है कि यहाँ की मिट्टी ऐसी है, लोगों को डरपोक बनाती है। Am I right, Havildar? I'm sorry, don't let me keep you. Tumko jaane ki taiyari karni hai. So long. Eh? Pakhar? Ek taraf tere pe gussa hai, दूसरी तरफ तेरे पे फखर भी है। बात समझ नहीं आई? वो गोरे बिना शराई है यार। कहता है कि साढ़े देश की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। साले हमारे कंधों पे ये किले खड़े हैं और हमें ही डरपोक बताते हैं डंगर साले।
तूने जवाब नहीं दिया उसको। पता नहीं क्यों बोल के जवाब देना कम लगा मुझे यार। कभी कभी तेरा दिल नहीं करता रावी जैसा दरिया बन जाए, चार में अकड़ हो डर भी मस्त मनमाजी। की कह रहा है ईश्वर से यहां कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा। आज यार पहली बार एहसास होया हम लोग फौजी नहीं है गुलाम है। यार ये तेरे मेरे जैसे लोग सिर्फ सलूट करने वास्ते पैदा हुए ने हैं? पहले मुगलों की हुकूमत थी अब गुरों की हुकूमत। साड़ी हुकूमत कब आएगी? तो तुझे हुकूमत चाहिए है? आजादी चाहिए, दरिया जैसी आजादी, मर्जी से बहने की आजादी। चल छोड़ यार, ये बता उसने पट्टी की कि नहीं? वनु की पता है यार, मैं तो बेहोशी बेटे मुंह किस्मत है मेरी, गोली भी खाई तो स्वाद भी नहीं आया। तो तू ब्याह क्यों नहीं करा लेता? इस बार गांव जाऊंगा ना तो करा के आऊंगा। ऐ भी किसी जनानी के लिए गोली खाने से तो अच्छा है जब दिल किया तो बीवी को याद करके खुश हो लिए तेरी तरह। ओए की तेरी तरह इतना भूला ना बन। कई बार देखा है तुझे परचाई को याद करके अकेला बैठा मुस्कुराता रहता है। बड़ी नजर रखी है तूने मेरे पे। चंगा मैं चलना। रात के सरदारा ध्यान आप हैं, मुझे लगा कोई और। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आप ठीक हो बीबा? फिर तो तंग नहीं किया किसी ने? मेरी गल समझ आ रही है? पंजाबी आती है? हिंदुस्तानी? इसके फायदा नहीं। बीबा अंग्रेजी आती है? अंग्रेजी अंग्रेज 1 2 3 लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट फायर लैंड बाय 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 पल्ले रब्बा सीधे अंग्रेजी है कमाल है। और कुछ आता है? नहीं। अच्छा चंगा मैं चले। टेम्पू और टेम्पू के देवेलू ना भाड़ा करे काजी लाया राजा लू सुन बरिसा बाजार में भेटालू करे का जिला राजा जालू करे का जिला राजा जालू। हम बोली
बोली तो बड़ा या नसालू कोरे का जिला या राजालू कोरे का जिला या राजालू झगड़ा करा के लइकन के गोरी लड़ा के बलिया बनारस में धावतारू सेक्सी बाजारी बना के छपरा में झगड़ा करा के लइकन के गोरी लड़ा के बलिया बनारस में धावतारू सेक्सी बाजारी बना है के आरे बक्सर आरे बक्सर में अक्सर भेटालू करे का जिला या राजालू इसका घर बार संभालो दो दो साल इसका इंतजार करो और गुटरगू के लिए वो पठानी आते ही झगड़ा शुरू कर दिया जी उड़ी और दो मीठे बोल ही बोल ले तू खा के आया ना मीठा तू बोल तेरी हड्डियों का सुरमा बना देना मैं पर घर तो आ और शुक्रिया था बोलन वास्ते मीठा ले आई सी इसलिए खाना पड़ा वरना तुझे पता है मुझे तो मीठे का बिल्कुल शौक नहीं है मुझे तो करारा पसंद है तभी तो तुझसे ब्याह करवाया था तेरी ना शक्ल कुछ खास नहीं है पर तेरी ऐसी वैसी बातें ले बैठती है मुझे अब जब घर आऊंगा सुरमा बनाएगी या कुटरगू भी होगा क्या ईश्वर सिंह जी जी मान को खसमनु खाओ ओ गुटरगू ना सही थोड़ी ठंडी पा जाओ और गरीब दा पला हो जाएगा ओ मालको शर्ता भी रखदा नहीं क्या तेरे बाजो मेरा सच्चिया मोहब्बत वे माही कितने होर नहीं हो मिलना जिते भी तू चले माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना रंग तेरा चढ़ आया
मैनू छो ना तेरे बिन दिल नहीं लगना जिते भी तू चलना है माही मैं तेरे पीछे पीछे चलना माही मैनू छो ना तेरे बिन दिल नहीं लगना जिते भी तू चलना ये लिख दूं सर जी तुम्हारी बहुत याद आती है अरे नहीं रहने दे गुरमुख चिट्ठी मानती जी से पढ़वाएगी उनके मुंह से ऐसे बोल सुनेगी तो शर्म से मर जाएगी बेचारी तू ऐसा कर बस इतना लिख दे कि मैं आर्टन साहब की चिट्ठी है आज से यहाँ चार्ज मैं लूंगा पर आप तो कल आने वाले थे ना मैं नायक लाल सिंह और ये सिपाही गुरमुख सिंह लंप ऑपरेटर बच्चे भी फौज में भर्ती किए हुए हैं क्या हो मेरे काका उन्नीस सर जी इतना शोर कौन मचा रहे जवानों सावधान हवलदार ईश्वर सिंह चार्ज लेने आए हैं साहब जी पानी तुम कौन मैं खानसामा खुदादाद नहीं जी तो ये है 36 सीख के बहादुर जवान ऐसे होते फौजी नहीं साहब जी दरअसल यहाँ कुछ होता नहीं है ना गुलिस्तान से सुनाया तो लाखट भेज दिया वहां से आया तो गुलिस्तान समझ लो डाकघर ही है बस इसलिए फौज है लाल सिंह बैसाखी का मेला नहीं हालत देखो इन लोगों की कमीज कितने तेरी देखो कच्चे में फौजी गुरमुख की तरफ देखो ड्यूटी पे फौजी पूरी वर्दी में चाहिए अंग्रेज तुम सबको इसकी सजा मिलेगी अब मुर्गे देखेंगे और तुम सब आपस में लड़ोगे और तब तक लड़ोगे जब तक मुर्गे बस नहीं बोलते लेकिन मुर्गे कैसे बोलेंगे साहब तुम कौन लांस नायक चंदा सिंह साहब जी चंदा सिंह जब तक ये लोग कुश्ती लड़ेंगे तुम किले के चक्कर लगाओगे समझे जी साहब जी लाल सिंह जी साहब जी तुम्हारी ड्यूटी ये है कि तुम इन सब पे नजर रखोगे जरा सी भी गड़बड़ हुई
तो सजा तुम्हें मिलेगी। जी साहब जी। और ध्यान रहे, अब जो मुर्गे कहेंगे वही होगा। मुर्गे ले आओ। रेजिमेंट का नहीं पूरे कौम का नाम खराब हो सकता है। पर मुर्गे तो बस बोलेंगे नहीं ना। तो फिर चोट पड़ने पे ही पत्थर की मजबूती का पता चलता है। मुश्किल पड़ेगी तो ही तो असली चरित्र सामने आएंगे। जब तू ऐसी सियानी बातें करता है ना तो मैंने ना तेरे पास कोई और काम नहीं, जा भैंसों को चारा डाल। तो पहले ही डाल दिया, तेरी माँ को डालना बाकी है बस। बकवास ना करे, अगर मार खानी है तो हाय चल मार ले वैरिया, किसी वाने हाथ से लगाएगा। हट ठरकी जनाब। की होया? इनको कुश्ती करने के लिए कहा था, ये गाने गा रहे हैं। जी मुर्गे तो पका लिए साहब जी। किसके कहने पर? मुर्गे के। क्या बकवास है लाल सिंह जी, आपने तो कहा था कि जो मुर्गे बोलेंगे वही करना। उन्होंने बस करो तो नहीं बोला, पर पकाने को जरूर बोला साहब जी। मुर्गे बोलते हैं? वही तो साहब जी, पहले हमें भी पता नहीं चला। मुर्गे अंग्रेजी में बोल रहे थे ना जी। मुर्गे अंग्रेजी में बोल रहे थे जी साहब जी। जीवन सिंह, बताओ साहब को। साहब जी, हम सब में से अंग्रेजी सिर्फ गुरमुख को आती है। उसी ने बताया कि अंग्रेजी में कुक मतलब पकाना होता है, तो पका लिया साहब जी। सजा को ढंग से पूरा कराने की किसकी जिम्मेदारी थी लाल सिंह? मेरी थी साहब जी। तो अब सजा भी तुम्हें ही मिलेगी। एक हफ्ते तक मुर्गा तो क्या, कुछ भी खाने को नहीं मिलेगा तुम्हें। जी साहब जी। गुस्ताखी माफ साहब जी, जब तक नायक साहब कुछ नहीं खाएंगे तो हम सब भी कुछ नहीं खाएंगे।
ठीक है, ऐसा करते हैं सजा को 2 हफ्ता कर देते हैं, ठीक है? डॉक्टर साहब जी, पढ़ा दूं? कोई शक? जी नहीं सर जी। 36 से कोई शक? जी नहीं साहब जी। शाबाश। फिर शुरू हो गया यार, ये फेरे लेने नहीं जा पाया, इसने हमारी क्या गलती की? भाई सुहागरा तो मनाने से पहले बंदे को जंग पे बुला लिया जाए, बंदा उदास तो नहीं हो जाएगा? चल, मैं जनानी का सपना देखा ना। तूने तो बहुत देखा है। ओ बोलिया, और तेरे को पता है दुनिया में सबसे ज्यादा मनाया जाने वाला त्योहार कौन सा है? हैं? बोल। और नहीं पता ना? ओ घरवाली, महीने में 10-12 बार तो मनाना ही पड़ता है। सही है। मैंने बोला था ना, नहीं हंसेगा। कभी तो हंसेगा। रात के लेके चक्कर लगाता रहा। आप सोए ना? मैं सोने दिया। समझ नहीं आती के ना के भूत। भूत है भूत। ओ भास्कर साहब, और किसेगा तो जे निकल आएगा तेरे जूते से, तू वो नहीं समझेगा राम से। हाँ मुझे पता है, तू अपने बापू के लिए संभाल के रख रहे जूते, और की। ओ नहीं राम से, हाँ जूते नहीं, मेरे बापू का सपना है। एक ही फटी पुरानी जूती में पूरी उम्र गुजारी है बेचारे ने। फौजियों के जूते बड़े पसंद थे उसको, इसलिए तो उसने मुझे फौज में भर्ती करवाया। अब जब ये चमकते हुए जूते उसके लिए मैं लेके जाऊंगा ना, तो देखना इतना खुश होगा कि सोते वक्त भी नहीं उतारेगा। विदाई। साहब साढ़े कच्छा के पिछे क्यों पे है? बोलिया, खासे वाली बात सुनाओ। एक बार एक पट सही है। फौजी भूखा रहेगा तो लड़ेगा कैसे? साहब जी, मुझे ना ये वाले साहब जी के लक्षण सही नहीं लग रहे।
गलत बंदा भेज दिया गुरु ने। देख लेना ये बंदा एक दिन जरूर मरवाएगा हमें। गलती हमारी है चंदा से, सजा तो मिलेगी। तो इतना गुस्सा मत किया कर। चल छोड़। देख देख तेरी पति जी 6 महीने की होगी है। देख छोटे छोटे हाथ इसके। बस कर रब दा वास्ता, बस कर, ये उदास तरंगे पेश मत कर। आजा मेरे साथ मना ले सुहागरात। ओए पागल हो गया ना। हजरात, आज तक आप सबके कबीले फिरंगी से अलग अलग लड़ते आए और इसीलिए नाकाम होते रहे, लेकिन अब इकट्ठा होने का वक्त आ गया है। क्योंकि मसला सिर्फ हिंदुस्तानी इलाके पे कब्जे का नहीं है। कुछ रोज पहले इस फिरंगी ने उन सिख काफिरों के साथ मिलके मुझे एक ऐसी औरत को सजा देने से रोका जिसने अल्लाह के तौहीन किए थे। अल्लाह के तौहीन? देखना एक रोज वो भी आएगा जब ये फिरंगी हमसे कहेंगे कि हम अपने औरतों को भी बेपर्दा घूमने जैसे ये फिरंगी औरतें घूमते हैं। नौज़ुबिल्लाह। अभी भी वक्त है, हमें हिफाजत करने होंगे अपने औरतों के, अपने रवायतों के, अपने मजहब के। उनको तबाह करना होगा वरना हम खुद तबाह हो जाएंगे। मैं जिहाद करना होगा, जिहाद। हम आपके इकट्ठे लड़ने की बात से इत्तेफाक रखते हैं मुल्ला सईदुल्लाह, लेकिन कोई भी फैसला लेने से पहले हम ये जानना चाहते हैं कि शेख साहब कहाँ हैं। शेख अब्दुर्रहमान अफगानिस्तान के अमीर है, फिरंगी की नजर हर वक्त उन पे रहती है, इसलिए उनका यहाँ आना मुनासिब नहीं था। और अकजयों को उनकी गैर मौजूदगी से कोई तकलीफ नहीं है। हम सिर्फ इतना जानना चाहते हैं कि फिरंगी हमको भी पैसे देते हैं उनके काफिलों पर हमला न करने का, उसका क्या? अगर हम कामयाब हुए तो आपको दुगना मिलेगा। और ये सरहद हटा दी जाएगी। आठ, नौ, दस, ग्यारह, बारह, तेरह, चौदह। तुम लोगों को पता है रसोई में 312 आलू, 221 प्याज और 150 गाजर है और एक बोरी तरबूज की। टमाटर कितने हैं? की फर्क पैंदा है कितने भी हो, अभी तो 2 दिन भी पूरे नहीं हुए। हाँ भाई खुदादाद। आपने याद किया जनाब। एक काम कर, सबके लिए रोटी बनाओ, सजा खत्म। जी जनाब। ठहर जाओ, कोई कुछ नहीं खाएगा। साहब जी हम ये सजा पूरी करेंगे। होगी पूरी सजा चंदा से। चल खाना खा ला चुपचाप। ओ नहीं साहब जी, हमें इनका तरस नहीं चाहिए। 2 हफ्ते मतलब 2 हफ्ते, समझ गए सारे? आप लोग समझदार हैं, कुछ सोचकर ही बगावत कर रहे होंगे, लेकिन आप लोग ये नहीं जानते कि हमारे साहब जी ने भी 2 दिन से कुछ नहीं खाया है।
जनाब जी, तुसी अपने आप को क्यों सजा दे रहे हो? मेरे साथी भूखे रहे और मैं खा लूं, ऐसा फौजी नहीं हूं लाल सिंह। तो फिर ठीक है साहब जी, आज सभी साथी इकट्ठे खाना खाएंगे। ओ दादा। जी जनाब। ओ मुर्गे नो कोक कारो है। जी जनाब। और जल्दी जल्दी। तो फिर से पहला हमला सारा गढ़ी पे होगा। वहां सिख फौजियों की तादाद कम रहती है, खत्म होते वक्त नहीं लगेगा, लिहाजा गुलिस्तान और लाकर एक दूसरे को मदद के पैगाम पहुंचा नहीं पाएंगे। और शाम तक इन तीनों किलों पर हमारा परचम लहराता नजर। अगर कोई टुकड़ी सारागिरी की मदद के लिए निकली तो हमारा लश्कर उनको रोक लेगा, लेकिन हंगू से फिरंगियों की बड़ी फौज भी उनकी मदद को जरूर निकलेगी, उसे रोकना मुश्किल होगा। वो हंगू से अगले दिन तक ही वहां पहुंच पाएंगे, इसलिए जरूरी है कि हम शाम तक गुलिस्तान और लखड़ को अपने कब्जे में कर ले।
एक दफा हमने ऐसा कर लिया तो कोई भी फौज हमें वहां से नहीं निकाल पाएगी। इंशाल्लाह इंशाल्लाह ऐसा ही होगा। इस बार तो गिनती और अल्लाह दोनों हमारे हक में है। अब बार बार अल्लाह को बीच में क्यों लाते हैं? उसे इंसान के कत्ल और गारत से क्या लेना? जंग बिना हथियारों के नहीं लड़े जाते जनाब। आप अपने हथियार इस्तेमाल करें और मुझे मेरा हथियार इस्तेमाल करने दे। सजीव फखर, ओ तुझे तो चंगी अंग्रेजी आती है, तुझे तो पता होना चाहिए। ए वाले भी ले लो। सर जी, पहले पहले मुझे भी नहीं समझ आया था, पहली बार सुना था ये लफ्ज पेशावर में एक अंग्रेजी अफसर के मुंह से। उसने बताया था इसका मतलब। कहानी ना सुना, मतबल समझा। मतबल की है दासना। इशाज़ सिंह, In God's name, is he doing? Tell him, Tell him, motherfucker! Sahib ji. Oh, khotiya! Sahib ji. Khota na putta! Sahib ji. Kya? Sahib ji. अगर आप वहाँ उत्तर वाली दीवार पे चोर दरवाजे पे बोलेंगे तो गुलिस्तान तक सुन जाएगा। वहां से आवाज चारों तरफ गूंजती है साहब जी। किए तुम जाके अपना काम करो। वही करने आया था साहब जी। बोलो। हमारा एक खबरी है नीचे गांव में, बड़े दिनों से आया नहीं है। मैंने कुछ गड़बड़ लगती है साहब जी, एक बार जाके पता करना चाहिए। आइए तशरीफ रखिए। शुक्रिया बुजुर्गो। बताएं आपका क्या खिदमत करें? जी कावा दे दीजिए। जरूर जनाब। मोहसिन तो रातों रात गांव छोड़ के चला गया। क्यों? अरे सबको पता चल गया था कि वो खबरी है, जान को खतरा था उसकी। बुजुर्गो ये गांव वाले पत्थर लेके कहाँ जा रहे हैं? सर्दी आने वाली है जनाब, बर्फ गिरने से पहले पूरे गांव के मरम्मत क्यों करनी है। लेकिन सिर्फ बच्चे बूढ़े और औरतें ही दिख रही हैं। इतना भारी भरकम काम, नौजवान कहाँ? वो सब जंग पर निकले हुए हैं लड़ने के लिए। जंग से फुर्सत मिले तब घर उनकी सोचे ना। शुक्रिया, आप नहीं गए? बहुत जिंदगी देख ली जनाब, इतना तो समझ आ गया कि ये जंग, ये सरहदें सब कारोबार है जनाब। आजकल किसकी मरम्मत चल रही है? कोई फौजियों वाला काम है तो बताओ साहब जी। हम यहाँ इन पठानों से लड़ने आए हैं कि मस्जिदें बनाने? नहीं, जब लड़ने का वक्त आएगा तब लड़ेंगे, जरूर लड़ेंगे चंदा सिंह जी। लेकिन अभी अभी तो रब का कार बनाने का वक्त है। रब से कैसी लड़ाई? ये पठान तो हमारी कटी उंगली पे मूतते गए मिनी साहब जी, सदियों से दुश्मनी है हमारी इनसे। ये तो हम नहीं करेंगे साहब जी। आप जो चाहे मर्जी सजा दे लो। ये सेवा है और सेवा मर्जी से होती है, जबरदस्ती नहीं होती। जिसका मन हो कल सुबह मेरे साथ चल सकता है, लेकिन कोई भी फैसला करने से पहले ये जरूर याद रख लेना कि श्री हरमंदर साहब का नींव पत्थर किसने रखा था।
भाई किसी ने भी रखा हो नहीं पत्थर सनू की, जिस पे जाना नहीं उसका नाम क्यों लें? क्यों भाई? पर श्री हरमंदर साहब का नींव पत्थर रखा किसने था? हजरत मियां मीर जी ने, गुरु अर्जन देव जी साहब ने उनको बेनती की थी इस शुभ काम के लिए। देर से आए लाल सिंह जी, और हम बिल्कुल टाइम पे आए हैं। देर से आए होते तो आप बूटे के पकौड़ियों जैसे तो देखने के लिए जिंदा नहीं होते साहब जी। चुके जवाना, आप बताओ साहब जी क्या करना है? दया से माई ने सबको बादाम दिया, सबने बादाम खा भी लिया। भोला तो ऐसे संभाल रहा है जैसे माई ने इसको बर्तानिया का ताज दे दिया। अपनी अपनी भूख है जीवन से, किसी को ताज चाहिए किसी को इज्जत। माई ने बादाम नहीं दिल से इज्जत दी है इसको। मैं समझा नहीं। अपने समाज में ना जीवन से बंदे की जात तय करती है उसको जानवर समझा जाएगा या इंसान, और भोला सिंह जैसे लोगों को सदियों से जानवर ही समझा गया। लाहौर में मैं इसके साथ था, वहां सुना था बचपन में भोले ने ना एक बार जमींदार के बाग से आम चुरा लिए। उन आमों की कीमत चुकाने में इसका बचपन और इसकी माँ की चुन्नी दोनों जमींदारों के पैरों में रुल गए। सच तो ये है जीवन से, अपने गुरु साहबान ने सबको एक बराबर माना, पर हम लोगों ने आज भी दिल से नहीं माना।
सरजी लो खास सुने आया है। क्या सर जी, वो हमें सावधान कर रहे हैं, कुछ पठान सारागढ़ी की तरफ आ रहे हैं और काय के मदद के लिए फोर्स भेज रहे हैं। आसिक, मेरी दूरबीन निकालो। जी सर। साले दिख क्यों नहीं रहे? कहीं ऐसा तो नहीं साहब जी कि वो गुलिस्तान की तरफ मुड़ गए? हो सकता है, चलो गुलिस्तान से बात करके देखें। بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين कर्नल हार्टन का संदेशा है। जवानों, बाहर कम से कम 10,000 हैं और हम 21। हमें क्या करना है, लॉकहार्ट से हुक्म आ चुका है और फौजी का काम है बिना सवाल किए अफसर का हुक्म मानना। लेकिन मैं चाहता हूं कि आज फैसला तुम लोग करो। हार्टन साहब का क्या हुक्म है साहब जी?
वो हमारी मदद को नहीं आ सकते क्योंकि पठानों ने सारे रास्ते रोक रखे हैं। इसीलिए उन्होंने हमें किला छोड़ के भागने का हुक्म दिया है। ओ पोलिया क्यों होया? भागने को कह रहे हैं। हम भाग रहे जवानों, थोड़ा सारे का इरादा मैं समझ गया, लेकिन फिर भी मैं चाहता हूं कि आप सब लोग एक बार फिर सोच लो। तुम सिर्फ अपनी जान नहीं, बहुत कुछ दांव पे लगा रहे हो, इसलिए फिर से सोच लो। मुझे तो पहले दिन से ही शक था। जो आदमी प्यार मोहब्बत और इंसानियत की बातें करता है, वो जंग कैसे लड़ेगा? चंदा सिंह, तुम हमें कमजोर करने की कोशिश क्यों कर रहे हैं साहब जी? सिद्धि तरह क्यों नहीं कहते? इतने सारे पठान एक साथ देखकर आपको डर लग रहा है। आप ये जंग लड़ना नहीं चाहते साहब जी। मैं लड़ूंगा चंदा सिंह, जरूर लड़ूंगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि पहले हम ये सोच लें कि हम लड़ किसके ले रहे हैं। उन पैसों के लिए जो हमें हर महीने मिलते हैं, इस वर्दी के लिए, या फिर इन अंग्रेजों के लिए जो खुद हम पे हुकूमत बनाए बैठे हैं? क्या इनके लिए तुम अपना सब कुर्बान कर सकते हो? मैं नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मेरी जिंदगी, मेरे रिश्ते, मेरी जिम्मेदारियां, इन सबसे ज्यादा कीमती। तो फिर किसके लिए लड़ेंगे आप साहब जी? किसके लिए? कर रहे हो तुम? सही कह रहा हूं मैं साहब जी, मैंने पहले दिन से ही कहा था कि गलत बंदा भेज दिया गोरों ने, और जो बंदा खुद इन पठानों की मर्जी से बनाता फिर रहा, वो किसके लिए लड़ेगा? और तुम सब लोग इस आदमी का गुणगान करते फिर रहे थे, मुंह उठा के निकल पड़े पठानों की मर्जी से बनाने के लिए। अब देख लो, अपनी आंखों से देखो कैसे डर के मारे अंदर कमरे में घुस के बैठ गए। जानते हो मैंने ये केसरी पगड़ी क्यों बांधी है? एक गोरे ने मुझसे कहा था कि तुम गुलाम हो, कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। आज जवाब देने का वक्त आ गया है। केसरी रंग का मतलब समझते हो चंदा सिंह? बहादुरी का रंग है, शहीदी का। लाखों सर दिए हमने, तब जाके सर पे केसरी बांधने का हक मिला है हमें।
आज जब मैं इसे सजा के हजारों दुश्मनों के बीच सर उठा के चलूंगा ना, तो मैं अकेले नहीं, मेरे साथ वो लाखों शहीद भी चलेंगे जिन्होंने अपनी जान तो दे दी लेकिन आन नहीं दी। आज मैं पैसों के लिए नहीं, अंग्रेजों के लिए नहीं, अपने लिए नहीं, उन शहीदों के लिए लड़ूंगा। हर उस आदमी के लिए लड़ूंगा जिसे गुलाम समझा जाता है। अपनी कौम के लिए लड़ूंगा। आज मैं अपने गुरु के लिए लड़ूंगा। आज मेरी पगड़ी भी केसरी, जो बहेगा मेरा लहू भी केसरी और मेरा जवाब भी केसरी। बोले! बतिया कहे लागे तुहरा बाउर हो, हमरो भोजन गौरा भंगिया धतूर हो, बतिया कहे लागे तुहरा बाउर हो। गांजा धतूर पर मन मोरा डोला हो, मन मोरा डोला मार करती नहीं है। करती है, अगर पीछे की हवा हो तो करती है। लश्कर तैयार हो जाओ। जीवन जलंधरी उत्तम सिंह जी। साहब जी, तैनात हो जाओ। मुखिया क्यों है? सर जी, एक बात पूछना चाहता। पूछो।
सर जी, हाटन साहब ने तो हमें यही रुकने का हुक्म दिया था, झूठ क्यों कहा? आजादी के लिए गुरमुख। आजादी सर जी? ये अंग्रेज हमको गुलाम कहते हैं गुरमुख सिंह। गुलाम को तो ना मर्जी से जीने का हक होता है, ना मर्जी से मरने का। अगर सच कह देता तो ये कहा जाता कि गोरी फौज के 21 सिपाही बहादुरी से लड़े, लेकिन आज इन 21 सिखों ने अपनी मर्जी से मौत चुनी है, किसी गोरे साहब के हुक्म से नहीं। इसलिए आज यहां 21 आजाद सिख लड़ेंगे और 21 आजाद सिख मरेंगे। जनाब। बोलो दाद। आपको लगता है कि मैं पठान हूं तो इनसे लड़ूंगा नहीं? मैंने ऐसा कब कहा? आपने कहा कि बाहर 10,000 हैं और हम 21, हम 22 हैं जनाब, मैं भी लड़ूंगा। आप मेरे कद काट पर मत जाइए, मुझ में बड़ा जोर है, मुझे बंदूक चलाना भी आता है। बंदूक तो बहुत लोग चला लेते हैं खुदादार, लेकिन जो काम मैं तुम्हें सौंप रहा हूँ वो सिर्फ तुम कर सकते हो। क्या जनाब? तुम हर जख्मी सिपाही को पानी पिलाओगे। पर वो तो मैं हमेशा से पिलाता आया हूँ। लेकिन पहले कभी दुश्मन को नहीं पिलाया होगा। दुश्मनों को भी? जब तक लड़ रहा है दुश्मन है, जब जख्मी होके गिर गया तो सिर्फ एक प्यासा इंसान। जनाब मैं दुश्मनों को खत्म करना चाहता हूँ, बचाना नहीं। दाद, आनंदपुर साहब की जंग में भाई कन्हैया जी सिख सिपाहियों के साथ साथ जख्मी मुगलों को भी पानी पिलाते थे। जब गुरु साहब ने पूछा क्यों, तो पता है उन्होंने क्या जवाब दिया? क्या जनाब? मुझे अपने सिपाहियों में भी वो दिखता है और दुश्मन में भी। उसकी सेवा कैसे ना करूं? लड़ने से सिर्फ दुश्मन खत्म होता था और पानी पिलाने से दुश्मनी। तुझे इस जंग का सबसे बहादुर सिपाही बनने का मौका दे रहा हूं, हिम्मत है तो बन जा। आओ बारातियों, नारा तकबीर। God help them. Rukke! या तो तू इनके साथ मना लेगा नंसिया, या ये तेरे साथ मना लेंगे। दोनों सूरतों में तेरी सुहागरात पक्की है आज। जुदाई पे जानी है, जुदाई पे जानी। जो तेनू कहनी सी है, जो तेनू कहनी सी,
गल दिल च ही रह जानी गल दिल च ही रह जानी तेनू अलविदा कर जाना है तेनू अलविदा कर जाना क्यों दया तरस देसी है क्यों दया तरस देसी असी तरसे ही मर जाना है असी तरसे ही मर Yeah.
भगवान ज्यादा हम हमदर्दी दिखाने की जरूरत नहीं नंसिया। जिस तरह के गीत तो सुनाता रहे ना बच्चे का तुलसी नहीं टंकना यार। हाँ यार बेबे बेबे अकेली कब नहीं रहेगी रहेगी यार। भगवान साहब जी तुम ठीक हो? जी साहब जी चाचा के मोर्चा सुना लो जंग अभी भी जारी। तुमने गोली क्यों नहीं चलाई गुरमुख सिंह? हमने गोली क्यों नहीं चलाई गुरमुख सिंह? जी सर जी मैं क्या मैं डर गया था सर जी, मैं डर गया था। मैंने आज तक कभी किसी को नहीं मारा, कोई जंग नहीं लड़ी। इतने दुश्मन देखकर मैं घबरा गया था सर जी। जाकर भगवान सिंह को अंदर लेके जाओ और अपना लम संभालो और जंग की सारी जानकारी हटन साहब तक पहुंच दीजिए। जाओ। जी सर जी। सर जी सारा गिड़ से सुनेहा है सिपाही भगवान सिंह शहीद हो गया है। साहब जी तुम गुरमुख और भगवान की जगह संभालो। साहब जी ये पश्चिम वाली दीवार पे कोई नहीं रह जाएगा। इधर तो तब आएंगे जब वहां से आने देंगे हम। चलो। जी साहब। सर जी बोलो गुरमुख। हाटन साहब ने कहा है कि जनरल बेग शंकु से बटालियन लेकर निकल पड़े हैं, कल तक पहुंच जाएंगे। लाल सिंह। साहब जी ये मुझे उनकी कोई चाल लग रही है। हम भी तो चाल ही चल रहे हैं लाल सिंह। जी साहब जी जनरल बेग फौज लेकर कल तक पहुंच जाएंगे। ये लड़ाई जितनी लंबी चलेगी उतना ही चंगा है। अब अगर वो बातों में वक्त खराब करना चाहते हैं तो इसमें बुराई क्या है? मतलब अगर हम उन्हें कल तक रोक लें तो जनरल साहब हमारी मदद के लिए पहुंच जाएंगे? साहब जी हमारी मदद को ना भी पहुंच पाए गुलिस्तान और लोकहाट की मदद को जरूर पहुंच जाएंगे लाल सिंह। ये लोग वहां भी हमला जरूर करेंगे, इसलिए इन्हें जितनी देर तक रोक सकते हैं
उतना ही हमारे साथियों के लिए चंगा है। खान मसूद आफरीदियों का सरदार, मुगल बादशाह और अग़ज़ाइयों के सरदार, और ये मुल्ला सैदुल्लाह हमारे रहनुमा। हम से कहो, देखो ये बात तो तय है कि तुम ये जंग जीत नहीं सकते। जीत तो हम तभी गए थे जब हमने लड़ने का फैसला किया था, बाकी तो मरना मारना है, चलता रहेगा। तुम में से कोई यहाँ से रुकिए मुल्ला साहब, गुस्ताखी माफ। दर्द जनाब, आप कुछ कह रहे थे? तुम्हारी ये हरकतें तुम्हें बचा नहीं पाए, बचने के सिर्फ एक ही सूरत है, अल्लाह से माफी मांग लो, यहाँ से चले जाओ, वरना मारे जाओ। हम तो तैयार हैं मुल्ला साहब, आप में हिम्मत है अपने जिहाद के लिए मरने की कि बस औरतों की जान ले सकते हो? तुम अपने हथियार डाल दोगे तो हम तुम्हें सही सलामत जाने देंगे। बहादुरी और पागलपन में बहुत कम फर्क होता है। 21 से लड़ने के लिए 10,000 लेके आए हो और बहादुरी की बात करते हो। तुम लड़ना ही चाहते हो तो ठीक है, मरने वाले की आखिरी ख्वाहिश तो पूरी करनी चाहिए। बहादुरी से लड़ना गुलबादशाह, घोरा देख रहा है, नहीं तो कहेगा कि हिंदुस्तान की मिट्टी से डरपोक पैदा होते हैं। बहुत गुरूर है तुम्हें अपने बहादुरी पे। क्या करूं, बात ही गुरूर की है। आज दोपहर से पहले तुम्हारा ही गुरूर टूट जाएगा। तुम सब यहाँ हमारे पैरों में गिर के अपने जान के बख्शिश मांगोगे मुझसे? सारा गली के बाद दोपहर तक गुलिस्तान और शाम तक लाकर, आज तीनों किले हमारे हाथों में और इन किलों के सारे सिक्कों के पगड़ियां हमारे कदमों में होंगे। चल छोटा, रुको। उत्तम सिंह, तुम्हारे काफी लोग मारे जा चुके हैं, गिनती कम हो गई होगी, इसलिए इन्हें लौटा रहा हूं।
जब तक दीवार गिरती हमें दरवाजे तक पहुंचने की कोशिश करनी चाहिए। लकड़ी का है जल्दी टूट जाएगा, दो तरफा हमला दुश्मन बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। ये बहुत बहुत ज्यादा बोलता है ये सरदार, इसे जरा हमारे ताकत का एहसास कर। ये लोग कहते हैं कि पहले सारागिरी, फिर गुलिस्तान और शाम तक लोखाट। इनको लगता है कि 9 घंटे में ये तीनों किले इन सालों के कब्जे में होंगे। इनको लगता है कि हम इनके पैरों पे गिरकर अपने जान की भीख मांगेंगे, और इनको लगता है कि हमारी पगड़ियां इनके पैरों के नीचे होंगी। मैं पूछता हूं, तुम लोगों को क्या लगता है? ओए छोटी तामा, भाई साहब वो नीचे आ जा, साले पठानों ने गोली मार दी, नंगा ही मरेगा, किसी ने नहीं ढकनी तेरी रफल। ओ मैं तो कहता हूँ तुम भी ये गोरों की रफलें छोड़ो और अपनी देसी रफलें निकाल लो, दुश्मन शर्मिंदा होकर ही भाग जाएगा। कोई गोली मारो इस काफिर को। चाहे कुछ भी हो जाए, आज शाम तक इनको यही रोक के रखना है। डट के सरदारा,
साथियों। ना बोलना, अंदर से कपड़ा लेके आ जल्दी। बंदे ने मौत सारे फर्क मिटा दे। चुप कर बोले, चुप। आज मुझे भी बराबर हो जाता तो साहब जी। और अंदर कपड़ा ला जल्दी से। सबके बराबर हौसला हौसला ना छेड़ी बोले। जीवन है तू तो बुढ़ा है यार। बुढ़ा होगा तेरा बाप। पास भी एक ही बचा है, क्या करें साहब जी।
हांसी आगे बुलाओ। जीवन बोलिया एक हंसी वाली बात सुनाओ। सर जी, उनकी गोलियां खत्म हो रही हैं। The Pitamon! Sir! They need more bullets! We've been trying, sir, but Bataan Bawatsiyara here. It's impossible to reach Saragadi. Thank you.
खत्म हो गया सर जी। दीवार टूटी है गुरमुख, हम नहीं, अभी इनको कुछ और देर रोकना है। तुम जाके लम्ब संभालो और चंदा सिंह तुम गुरमुख के साथ रहना। लेकिन साहब जी मैं यहाँ, शायद मेरा आखिरी हुक्म है चंदा सिंह, मान ले। मेरा एक सुनाया लॉरेंस साहब को भेज देना गुरमुख। क्या सर जी? तू अच्छी तरह जानता है। जी सर जी। मुझके भर ले खुदा दाद, दुश्मनों को जरूरत पड़ेगी। जी जनाब। छत्तीस से कोई शक? जी सर जी। कोई शक? जी नहीं सर जी। दरवाजा बंद कर ले गुरमुख। साहब जी। बोलो। ऑपरेटर ने आपके लिए हवलदार ईश्वर सिंह का संदेशा भेजा है। क्या है? सो लॉन्ग मकर। बचे हुए सिखों को जल्दी खत्म करो। कभी भी वक्त है, हम गुलिस्तान फतेह कर सकते हैं। वापस भी आएगा ना ईश्वर? तेरे खेत कौन संभालेगा? तू है ना। और तेरी माँ? उसे संभालेगी मेरी जूती। तू संभाल लेगी, मैंने पूरा भरोसा है। और मैं? मेरा आसरा तो तू ही है ना ईश्वर? किला छोड़ के भाग जाऊं? हमारी कौम की पीठ नहीं लगनी चाहिए।
मैंने कहा था ना आज तुम्हारी पगड़ियां मेरे कदमों में होगी। तुम्हारी पगड़ी को कोई हाथ नहीं लगाएगा, ये खान मसूद की जबान है। तुम्हारा नाम क्या है? ईश्वर सिंह। मैं तुम्हें हमेशा याद रखूंगा ईश्वर सिंह। वक्त बहुत टीट निकला। हम जंग और तारीख दोनों हार चुके हैं गुल बादशाह। अंधेरा होने वाला है अब। गुलिस्तान और लखाट पहुंचना नामुमकिन है। मैं सिर्फ नाकामी लेकर यहां से नहीं जाऊंगा। तुम्हें जो करना है करो, लेकिन किसी भी सिख की पगड़ी नहीं उतारना। मुझे सरदार की चीखें सुननी है। मीनार को आग लगा दो।
चलाया है तब जाके कहीं हमने सर पे ये केसरी रंग सजाया है। अफसोस नहीं जो तेरे लिए सा दर्द सहे महफूज रहे तेरी आन सदा चाहे जान मेरी ये रहे ना रहे सका आबाद रहे वो गांव मेरा जहां लौट के वापस जा न सका ओ वतनावे मेरे वतनावे तेरा मेरा प्यार निराला था कुर्बान हुआ तेरी असमत पे मैं कितना नसीबों वाला था बनके मैं खिल जावा इतनी सी है दिल की आरजू तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा इतनी सी है दिल की आरजू जी।
इतना भूला न चाहूं वो याद आ रही है, जितना भूला न चाहूं वो याद आ रही है। मेरे नींद में वो आके, मेरे नींद में वो आके मुझको सता रही है। जितना भूला न चाहूं वो याद आ रही है, जितना भूला न चाहूं वो याद आ रही है। चाहना न छोड़ा सब लूट ही गया, सब लूट ही गया, दिल टूट ही गया, सब छूट ही गया। उस चाहना न छोड़ा सब लूट ही गया। मैं चाहता हूँ हंसना, उतना दुला रही है। जितना भूला न चाहूं वो याद आ रही है, जितना भूला न चाहूं वो याद आ रही है। सूरज के जैसे ही ढल रहा हूँ, के जैसे ही ढल रहा हूँ, कांटों पे चल रहा हूँ, अंगारों में जल रहा हूँ।